एबीपीएस न्यूज की टीम आगे बढ़ते हुए ब्लॉक भगतपुर टांडा स्थित ग्राम पसियापुरा पहुंची। वर्तमान समय में इस गांव के प्रधान जाकिर अली हैं। लगभग 9000 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 27 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 6 किलोमीटर ही है। इस गांव में लगभग 1250 कुल वोटर हैं तो वहीं राशन कार्ड धारकों की संख्या 350 बताई गई। वर्तमान प्रधान ने इस गांव में विभिन्न तरीके के विकास कार्य भी कराए हैं, जैसे सड़कों का निर्माण, शौचालयों का निर्माण, साथ ही साथ सड़कों पर सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं, जिससे ग्रामीणों को किसी भी तरीके की अव्यवस्था से ना गुजरना पड़े। उन्होंने बताया कि उन्होंने गांव में इंदिरा आवास व प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्रों को आवास भी वितरित किए हैं। वहीं प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों में लगभग 260 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते नजर आए, जो एक बेहतर स्थिति को दर्शाता है। ग्राम प्रधान द्वारा गांव में लगभग 55 हैंडपंप लगवाए गए हैं, साथ ही साथ 22 वी बोर व 10 और हैंडपंपों की अभी भी सरकार से मांग है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा गांव में 50 बिजली के पोल व 2 बिजली के ट्रांसफार्मर भी लगवाए गए हैं, जिससे गांव में बिजली की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जा सके। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने बताया कि गांव में अभी भी एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से ग्राम प्रधान ने राज्य व केंद्र सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनके गांव में 250 मीटर नाले का निर्माण किया जाए, स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाए, साथ ही साथ पंचायत घर भी गाँव में मुहैया कराया जाए। ग्राम फसियापुर मंजरा करिया रंगला सानी ब्लॉक भगतपुर टांडा। देखिए साहब, रास्ते बहुत कच्चे हैं और पैसे के कारण रास्ते कुछ कराए भी हैं, कुछ नहीं भी हुए। स्कूल में भी काम कराया है और ग्राम फसियापुरा के स्कूल में भी काम कराया है, मगर हो नहीं पाया, पैसे के लिए पैसा नहीं है। और आवास भी बनवाए हैं और लैट्रीनें भी बनवाई हैं और बहुत गरीब गांव है ग्राम करियानंगला सानी और ग्राम फसियापुरा, इसलिए काम नहीं हुआ का पैसा कम आया है और लोग पीछे हैं, सारे रास्ते कच्चे हैं, नाली बहुत कच्ची हैं, इधर उधर क्या करें, बड़े परेशान हैं हम। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के कार्यों की समीक्षा करते हुए बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा विकास कार्य तो अच्छे तरीके से किया जा रहा है, लेकिन गांव में अभी भी स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल स्थिति में पड़ी नजर आती हैं। प्रधान जी बढ़िया काम कर रहे हैं गांव के अंदर, फसियापुरे में भी, कलेनंगले में भी,